गाइस वेलकम बैक, आई होप सारे बढ़िया हो गए एंड आगे भी बढ़िया रहना। बाकी आज की वीडियो एक बार फिर से होने वाली है बीआर रैंक पुश पे, एंड यहां पर एक बार फिर से हम बीआर रैंक पुश करेंगे। एंड कैसे पुश करते हैं वो सारी तुम्हें वीडियोस में पता लग जाएगी। बाकी वीडियो को पूरा एंड तक देखना। कुछ दिन से देख रहा हूं इस कंटेंट पे रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, मतलब तुम देख सकते हो यहां पर, मतलब पिछले दो तीन वीडियो से मैं देख रहा हूं यहां पर, मतलब इसका रीच कम होते जा रहा है। यहां पर तुम देख सकते हो एक वीडियो तो 10K गई थी एंड सेकंड वीडियो यहां पर ज्यादा नहीं गई थी, मतलब 13K तक रुक गई। बट अभी तो मुझे अपने चैनल पे ऐसा देखने को मिल रहा है। सो यहां पर तुम कमेंट करके बताओ क्या तुम्हें मजा आता है इसको देखने में या फिर मजा नहीं, या फिर तुम बोर हो चुके हो इस कंटेंट से, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और कमेंट कर देना एक बार। बाकी यहाँ पर मैं आगे चल के जो वीडियोस बनाऊंगा वो अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। बाकी यहाँ पर तुम्हें प्रैंक वीडियोस भी देखने को मिलेगी काफी जल्दी, तो उसके लिए भी रेडी रहना। बाकी अपना ओपिनियन शेयर करो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे लिए फ्री है, कुछ भी लिख सकते हो, बाकी तुम्हें जैसा लगे वैसा लिखना। बाकी यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की, और आज की वीडियो में भी काफी मजा आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पहला गेम स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर पहला गेम मैं खेल रहा था सोलो, एंड यहाँ पर सोलो खेलने के बाद मैं सीधा उतर गया यहाँ पे पीक के साइड, और मैं हमेशा पीक पे उतरता हूँ। बाकी यहाँ पर अब तुम देख सकते हो मेरे को मिल चुकी है पहले तो गन, पता नहीं कौन सी गन अभी मेरे पास, अच्छी गन है मतलब MP5 है, तो यहाँ पर मैं किसी को भी किल कर सकता हूँ। अभी देखते हैं सामने कौन आता है सबसे पहले, तो बिकॉज यहाँ पर मैं सोलो गेम खेल रहा था, सो यहाँ पर मेरे पास रिवाइव का टाइम है थोड़ा बहुत। सो देखते हैं यहाँ पर मेरे सामने सबसे पहले कौन आता है, मेरे को काफी अच्छी गन मिल चुकी है, अभी बस किसी एनिमी का इंतजार है, देखते हैं कब मिलता है मेरे को। सो यहाँ पर थोड़ी देर बाद मैं बाहर की साइड आता हूँ एंड एक बंदा दिखता है मेरे को, मेरे सामने ही है एंड अभी मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास P90 है, यहाँ पे गया मैं एंड यहाँ पर बहुत जल्दी मैंने इसको खत्म कर दिया। बाकी पहला किल तो आ चुका है लेकिन और बंदे मेरे को नहीं दिख रहे, बहुत देर बाद ही पहला बंदा दिखा पीक पे, दूसरा बंदा पता नहीं किधर होगा लेकिन हाँ हो सकता है आसपास ही। A few moments later. काफी देर घूमने के बाद मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि यहाँ फाइट कर रहे थे दोनों, एंड यहाँ पर इसको काफी डैमेज, इसको नॉक ले लिया मैंने एंड यहाँ पर सबसे पहले दिमित्री लगी पड़ी है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक बंदा शायद से और है, वो बच गया था आई थिंक, शायद से भागने का ट्राई कर रहा है लेकिन मेरे को नहीं पता अभी एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है। सो यहाँ पर एक बार ऊपर से जाके देखते हैं किधर गया वो बंदा, अभी देखते हैं किधर की साइड हो सकता है बिकॉज मेरी साइड तो नहीं है। एंड यहाँ पर भाई काफी गंदा हेडशॉट मारा मैंने इसको एंड यहाँ पर अब बच जा भाई, मेरा सोनिया पता नहीं इसका सोनिया कितनी देर एक्टिव था लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके इसको खत्म कर दिया और मेरे पीक पे टोटल 3 किल हो चुके हैं। अभी देखने वाली बात है मेरे सामने कौन आता है, सो यहाँ पर देखते हैं अब आगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला जाता हूँ एंड ड्रॉप लूटने जा रहा था बट यहाँ पर ड्रॉप पे भी बंदा था तो मैं ऊपर आ गया दोबारा से। एंड यहाँ पर एक ऊपर बंदा दिख रहा है मेरे को जो कि पीक के ऊपर है, एंड यहाँ पर शायद लैंड करके बैठा या कैंप करके बैठा पता नहीं, काफी गंदा डैमेज तो दे दिया मैंने इसको लेकिन अब मेरे को नहीं पता ये कब तक बचेगा। एंड यहाँ पर शायद से ऊपर ही है, ऊपर से नीचे कैसे लाऊं इसको पता नहीं मेरे को, बट यहाँ पर नीचे वाले बंदों को देखते हैं, अगर कोई नीचे आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। मैं वहां से निकल जाता हूँ बिकॉज वो बंदा मेरे को दिखता नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे एक बंदा आ चुका है भाई, काफी गंदा डैमेज दिया एक बार फिर से भाई, काफी गंदा डैमेज, नॉक हो चुका है लेकिन इसने धीमित्री लगा ली और बॉल भी पैक कर लिया, शायद से इसकी वॉल टूटेगी मेरे हाथों से, नेट तो नहीं जाएगा मेरे को पता है, नेट नहीं जाने वाला, इसकी वॉल भी नहीं टूटी मेरे हाथों से। और मैं बहुत रोटेट करता हूँ मतलब देखने के लिए किधर है बंदा लेकिन ये बंदा नीचे नहीं आता, और एंड में इसकी वॉल टूटती है एंड अब इसके ऊपर रश मारने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले देखते हैं किधर की साइड है, सामने की साइड हो सकता घर में, भाई मुझे नहीं पता कैसे होता है, काफी डैमेज। और यहाँ पे भाई मैं बोलता हूँ यहाँ पर टू शॉटर से बढ़िया है P90, मतलब अगर प्रो 90 और टू शॉटर है तो ऑलवेज से प्रो 90 उठाओ बिकॉज यहाँ पर P90 काफी अच्छी चलती है। यू आर अ गुड क्वेश्चन। अभी यहाँ से एक बंदा जीप में जा रहा है और यहाँ पर जीप में जाने के बाद मतलब मैं इसको मार तो नहीं पाऊंगा बिकॉज मीशा है इसके पास। अभी देखते हैं इस घर में कोई है क्या, मतलब काफी छोटा जोन हो रखा है शायद से मेरे सामने से आया, एक बंदा आ रहा है मतलब इसको काफी डैमेज दे दिया। एंड अब यहाँ पर ये नेट जाएगा इसके ऊपर, नेट जाना तो चाहिए यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा डैमेज आया लेकिन आप देखते क्या होता है, इसको मैं आने तो नहीं दूंगा जोन में, मारो एक बार फिर से काफी गंदा डैमेज। एंड यहाँ पर बस जोन से ना आइए, जोन से ही मर जाएगा अगर मैं इसको जोन से नहीं आने दूंगा तो। यहाँ पे काफी गंदा फायर दिया मैंने इस पे, एंड यहाँ पर एक बार फिर से देखते क्या होता है, और फाइनली मैंने इसको नॉक ले लिया यहाँ पे। एंड यहाँ पर ये नॉक हो जाता है तो यहाँ पर अब सिर्फ 4 बंदे बचे हुए हैं, सॉरी 3 बंदे, 7 बंदे बचे हुए हैं मेरे सामने, और एक बार फिर से रिवाइव हो गया भाई पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पर इस बार नहीं बचेगा, नेट गया एंड यहाँ पर खत्म ये। और यहाँ पर इसी के साथ 6 बंदे हो जाते हैं पूरे मतलब लॉबी में, और यहाँ पर मेरा बुया तो हो सकता है, तो मेरे दोस्तों भगवान की कसम झूठ नहीं बोलूंगा, इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है कि उसका हर चीज से दिल लड़ जाता है, वो चीज इस वक्त मेरे साथ बीत रही है।
सिस्टम खत्म हो गया यार, अब मैटर खत्म हो गया। ठीक है। तो वो गेम हारने के बाद सीधा नेक्स्ट गेम में आते हैं। एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ अपनी G1 8, सॉरी यहाँ पर M10। एंड यहाँ पर दो बंदे हैं, ये गेम डुओ होता है रॉकी भाई के साथ। सो यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है। रॉकी भाई मेरे सामने एंड यहाँ पर एक बंदा भी आ चुका है, ये दोनों डुओ बैठे हुए अंदर। सबसे पहले तो रॉकी भाई को साथ में बुलाना होगा। अभी देखते हैं किधर है बंदा, सामने की तरफ भी हो सकता है। और यहाँ पर इन लोगों ने रश मार दिया एंड यहाँ पे सबसे पहले एक बंदा नॉक जाएगा क्या? यहाँ पर कोई नॉक नहीं गया, लेकिन यहाँ पर रॉकी भाई नॉक हो गए। क्या बात है, मतलब यहाँ पे जब भी कुछ फाइट होती है ना, रॉकी भाई सबसे पहले नॉक होते हैं। क्या मैं यहाँ पर क्लियर कर पाऊंगा? अगर मैं यहाँ मर गया तो भाई बहुत गंदी माइनस लगने वाली है, करीब 40 की माइनस लगेगी यहाँ पर अगर मैं मर गया तो। ये पहला बंदा तो गया एंड इसका टीममेट भी है, पता नहीं किधर है। एक बार फिर से ऊपर आया और कर क्या रहा है भाई, रश मार रहा था इसको तो। लेकिन यहाँ पर मतलब ये बेवकूफ रिवाइव कर रहा था और इसी के साथ मैंने इसको खत्म कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने दोनों को खत्म कर दिया, इस हिसाब से हमारी रैंक बच गई, वरना गंदा माइनस लगता। ठीक है, समझ गया। अब उसको खत्म करके सीधा मैं आता हूँ आगे की तरफ। मतलब बहुत देर बाद फाइट होती है, बिकॉज फिर तो फाइट होती नहीं है। यहाँ पर रॉकी भाई खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर अब देखो क्या होता है, एक बंदा तो मेरे सामने है जो कि मेरे को दिख चुका है। यहाँ पर ये सोलो डेयर लेके बैठा था, इधर से आएगा 150 एंड सीधा खत्म। एंड यहाँ पर इसको सीधा क्लियर करते हैं। ये बंदा सोलो डेयर लेके बैठा था, लेकिन मैंने इसको किल कर दिया सबसे पहले। एंड अब देखो क्या होता है, बिकॉज एक बंदा तो मेरे सामने है। ठीक है, मेरे को पता नहीं था ये मेरे सामने वाले घर में ही है, मेरे को रॉकी भाई ने बताया यहाँ पे। बट यहाँ पर 150 एंड यहाँ पर काफी डैमेज है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले मैंने 150 तो दे दिया। एंड यहाँ पर क्या अंदर की साइड है बंदा? नहीं, अंदर की साइड तो नहीं है, बाहर है। यहाँ पे 150 तो नहीं गया, हेडशॉट के साथ इसको खत्म किया सबसे पहले। एंड यहाँ पर आप देखो क्या होता है, मेरे 4 किल हो चुके हैं यहाँ पे एंड सामने सिर्फ 5 बंदे। तो ये गेम मेरा बुरा तो हो सकता है, लेकिन अभी देखते क्या होता है। 150 और भाई कौन कहता है कि सोनिया यूज का कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर। तुम देख सकते हो, अगर आज सोनिया नहीं होता तो मैं खत्म हो गया था। अगर खत्म नहीं भी होता तब भी मैं बच जाता दिमित्री लगा के। सो यहाँ पर सोनिया काफी यूजफुल कैरेक्टर है, वो अलग बात है कि अब अपडेट के बाद नहीं रहेगी। लेकिन देखने वाली बात है अभी क्या होता है, बिकॉज मेरे सामने तो एक बंदा है, मतलब 2 स्क्वाड हो सकती है, 2 डुओ हो सकती है, यानी 3 बंदे हो सकते हैं। एक बंदा तो मेरे सामने है। अब भाई ये कहाँ से डैमेज दे रहा है मेरे को नहीं पता था, अभी इसको बताता हूँ। 150 यहाँ पे, अब शांत हो जाएगा ये बंदा। एंड यहाँ पर ये मतलब 150 पड़ गई, मैं रश मारने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज मेरे को लगा मैं इसको खत्म कर दूंगा, जो कि मैंने सही सोचा था। लेकिन यहाँ पर 225 का गया तो सही, यहाँ पर ये नॉक आना चाहिए, ये नॉक आ गया। लेकिन भाई ये दिमित्री बहुत परेशान करती है। मैंने रश मारा एंड यहाँ पर मैं खत्म। गेम तो गाइस मोई हो गया, लेकिन अब इस गेम में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये स्क्वाड गेम हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर एक बंदा दिखा, हेडशॉट तो दे दिया मैंने AWM से। एंड यहाँ पर आप देखो क्या होता है, मेरे सामने एक बंदा है। एंड यहाँ पर एक किल चोरी बहुत गंदी करी है भाई, जिसने भी किल चोरी करी है ना, यहाँ पर मैंने इसको भी 150 दिया था और इसको भी किल चोरी कर लिया। इस हिसाब से मेरे 2 किल तो यही चोरी हो गए। अब मेरे को पड़ गई पीछे से, यहाँ पर मैं नॉक होने वाला हूँ। क्या मैं रिवाइव हो सकता है? यहाँ पर दिमित्री तो लगा दिया मैंने, और बस ये मेरे को क्लियर ना करे किसी भी तरीके से, मेरे को क्लियर ना करे। और यहाँ पर ये दोबारा मेरे को ही खत्म कर गई। एंड यहाँ पर ये नॉक तो हो गई, लेकिन यहाँ पर दिमित्री लगी बहुत बाद में, और यहाँ पर मेरे को पता नहीं किसने क्लियर किया, लेकिन पीछे से ही। लेकिन यहाँ पे मैं तुरंत से रिवाइव हो जाता हूँ यहाँ पे। एंड रिवाइव होने के बाद मैं सीधा वहीं पे जाऊंगा, बिकॉज वहीं पे मेरी सारी लूट है। सो यहाँ पर मैं आ गया एक बार फिर से। एंड एक बंदा एक और है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ही हो सकता है एक बंदा, मैंने देखा नहीं अभी, लेकिन मेरी लूट यहाँ थी एंड ये रश मार रहा था सबसे पहले। एंड यहाँ पर मैंने इसको क्लियर किया, कुछ भी करके मेरे को 1 किल तो मिला भाई यहाँ पे, मतलब इतनी फाइट होने के बाद मेरे को सिर्फ 1 किल मिला। जनता माफ नहीं करेगी। अब यहाँ पे 1 किल करने के बाद यहाँ पर और कोई बंदा होगा कि नहीं? यहाँ पर एक बंदा आया सबसे पहले रिवाइव करने, ये पता नहीं किसका टीममेट था, लेकिन यहाँ पर रिवाइव करके ही मानेगा। एक बार फिर से मैंने 150 दिया एंड यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने इसको खत्म कर दिया, लेकिन इस बंदे ने अपने टीममेट को रिवाइव दे ही दिया यहाँ पे। मतलब ऐसे बंदे जब खेलते हैं ना, मतलब हैट्स ऑफ भाई, मतलब हमारे सामने से रिवाइव दे गए। मगर क्यों? अब वहां से हट के हम सीधा इधर आते हैं और यहाँ पे एक नीचे की साइड ड्रॉप पे बंदा था यहाँ पे, एंड ये गया 150। शायद से खत्म होने वाला है, मेरे हाथों ही मरेगा। एंड यहाँ पर काफी गंदा डैमेज गया, बट दिख नहीं रहा मेरे को ये बंदा कहाँ पे है, ड्रॉप के पीछे हो सकता है। क्या मेरे किल आएंगे? हाँ, मेरे किल आ गए, मतलब यहाँ पे मैंने उसको किल कर दिया। वो टीममेट मारने तो जा रहा था, लेकिन उसका पोपट हो गया। प्यारी समझ गई। तो खत्म करके मैं इधर की साइड जा ही रहा था कि मेरे को एक और बंदा दिख गया एंड यहाँ पर एकदम से मेरे सामने आ गया ये 150। एंड यहाँ पर इसने मेरे को खत्म कैसे कर दिया भाई, पता नहीं कैसे खत्म किया। लेकिन यहाँ पर UNGMAN है मेरे साथ, यहाँ पर वॉल लगा दी, मैं रिवाइव हो जाऊंगा शायद से। हाँ, मैं रिवाइव तो हो जाऊंगा, जोन आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखते क्या होता है, सामने एक बंदा 150, इसको भी 150 दे दिया। एंड यहाँ पर क्या एक बार फिर से लगेगा इसको? नहीं, इसको नहीं लगा।
मैंने काफी ट्राई किया वहाँ पे लेकिन एक भी शॉट नहीं लगा, और हम पीछे से भागने का ट्राई करते हैं लेकिन पीछे से एक बंदा आ जाता है। अरे दादा रे। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे, बिकॉज जोन भी काफी गंदा काटने वाला है। सो यहाँ पर जोन से निकलना पड़ेगा कुछ भी करके, हम मजाक नहीं कर सकते, मतलब ये तीसरा जोन होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देखो क्या होता है, मतलब काफी एचपी तो जा रही है। एंड यहाँ पर मैं मेडिकेट कर लेता हूँ सबसे पहले, वो बंदा तो खत्म हो गया, यूएनजी अमन ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन अब हमें यहाँ से जोन में निकलना पड़ेगा और जोन यहाँ से काफी दूर है। अभी यहाँ पे मेरे को नहीं लगता हम जोन में जा पाएंगे, बिकॉज तुम देख सकते हो जोन लिटरली मतलब 70 की एचपी यहाँ से खत्म कर रहा था हमारी, और यहाँ पर मेरे पास मेडिकेट भी बची नहीं थी, इनहेलर था नहीं, सो यहाँ पर मैं तो खत्म हो गया। एंड यहाँ पर आप देखते हैं गेमर भाई और रॉकी भाई यहाँ पे क्या कर पाते हैं। यहाँ पे सामने एक स्क्वाड बैठी है ऊपर की साइड, जो कि यहाँ पर मतलब एक टोकन वाली जगह है जहाँ पे की एक स्क्वाड बैठी हुई है। मतलब इनको पता था कि पिंक टोकन पे हम लोग आएंगे रिवाइव करने, और कुछ ऐसा ही हुआ, और गेमर भाई काफी चुपके खेल रहे थे, बट यहाँ पर भाई गेमर भाई को भी यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ पर पता नहीं कैसे देखा लेकिन खत्म कर दिया। क्या बात है, इस वाले गेम में क्या हुआ था कि मेरा सोलो वर्सेस डुओ स्टार्ट हो गया था, मतलब यहाँ पर रॉकी भाई मेरे साथ थे लेकिन यहाँ पर रॉकी भाई गेम में आ नहीं पाए थे। सो यहाँ पे ये वाला गेम मैं सीधा रश खेलने वाला हूँ। एंड यहाँ पर एक बंदा तो मैंने खत्म कर दिया, ये सिर्फ टीममेट ही था। यहाँ पे तीन शॉट भाई मर गया, पता नहीं क्या 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 होता है भाई बंदों के पास, मतलब कितनी एचपी लेके आते हैं पता नहीं यहाँ पर, लेकिन ये बंदा तो मर ही नहीं रहा था। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज मेरे सामने मतलब एक बंदा आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पर लगा रखा था, क्या बोलते हैं इसको, हिटलिस्ट। एंड यहाँ पर हिटलिस्ट लगाया था बिकॉज मेरे को सीधा रश खेलना था। यहाँ पे गया हेडशॉट और ये पूरी तरीके से खत्म, इसको हेडशॉट दे दिया। यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा दिख तो रहा है भाई, इसका टीममेट भी आ गया यहाँ पे। आप देखो मैं क्या करता हूँ, हेडशॉट लग जा भाई, हेडशॉट तो कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आप देखो मैं क्या करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है मेरे ऊपर रश मारेगा, मैं हेडशॉट दे दूंगा। बट यहाँ पर एक पोजीशन मिले मेरे को अच्छी सी, यहाँ पर ये तो खत्म हो गया पहला बंदा, ये बंदा मेरे सामने है। एंड यहाँ पर काफी डैमेज, अब यहाँ पर ट्रोगन तो है मेरे पास, अब मैं रश कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आया क्या, तीन शॉट खत्म, मतलब ट्रोगन के आगे कोई बोल सकता है क्या। फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद मैं एक और हिटलिस्ट लेता हूँ, बिकॉज मेरे को एक और बंदे को खत्म करना था, आखिर मैं टोकन बचा के करूंगा तो क्या, तो मैंने हिटलिस्ट ले ली। और यहाँ पर अब देखो सामने एक बंदा दिख रहा है, और भाई काफी डैमेज दिया इसने मेरे को, लेकिन यहाँ से M60 का एम जा नहीं रहा। सो सबसे पहले मेरे को पास में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर अभी देखते क्या होता है, हिटलिस्ट वाला बंदा दिख तो रहा है मेरे को, एंड यहाँ पर ये मेरे सामने ही है, कितना डैमेज दे दिया भाई, और इतने हेडशॉट मारे, लेकिन यहाँ पर एक गोली का बच गया, मतलब थोड़ी सी एचपी और चाहिए थी मेरे को। लेकिन कोई नहीं, वो गेम खत्म करके सीधा स्क्वाड गेम में आते हैं, और यहाँ पर भी फाइट चल रही होती है बहुत भयंकर, यहाँ पर मतलब बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा है, तीन शॉट, एंड यहाँ पर क्या मैं इसको खत्म कर पाऊंगा, यहाँ पर रॉकी भाई ने खत्म कर दिया वहाँ पे उसको, बाकी ये पूरी स्क्वाड से फाइट हो रही थी हमारी, और एक को तो मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया है। एंड यहाँ पर अभी देखते हैं आसपास कितने बंदे हैं, बिकॉज काफी बंदे मार रहे थे आगे पीछे से, और यहाँ पर मेरे पास कार भी है एंड मीशा भी है। क्या बात है, सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna prove. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. ये दोनों के दोनों ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब देखो क्या होता है, मैं सीधा तो नहीं जाने वाला, एक नेट चाहिए, मतलब मेरे को सबसे पहले मैंने बोला एक ग्रेनेड करो यहाँ पे। एंड यहाँ पर अब देखो सामने ही दोनों बंदे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक नेट गया। एंड यहाँ पर नेट जाते हैं मेरे को रश के लिए बोला, यहाँ पे मैंने सबसे पहले को नो किया, ये दूसरा गया। एंड यहाँ पर इसको भी खत्म किया, टीम वाइप आउट हो जाती है इनकी, यहाँ पे मतलब काफी देर से परेशान कर रहे थे और इनको हमने खत्म कर दिया सबसे पहले तो। एंड अब यहाँ पर देखते हैं और कितने बंदे यहाँ पे, ठीक है तो हम यहाँ से निकलते हैं इनको खत्म करके। और यहाँ पर इनसे निकलते हैं मेरे को बंदे की लोकेशन दिख जाती है, जो कि हमारे सामने की तरफ था, और हमारा हर्ष भाई मर चुका है यहाँ पे। सो यहाँ पर उसको रिवाइव करना पड़ेगा कुछ भी करके, तो अभी देखते हैं बंदे किधर की साइड है। सामने की साइड मेरे को दिख तो चुका है एक बंदा, सो सीधा लैम्बर की नहीं घुसा दूंगा मैं अगर मेरे को दिख गया ये बंदा तो। और यहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे हैं, मेरी लैम्बोर्गिनी भी डैमेज कर दी, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से तोड़ दिया इसने, अभी बताता हूँ इसको, मतलब गलत बंदे से बंदे मिले, तीन बंदे हैं यहाँ पे, और एक तो मेरे ऊपर रश कर रहा है सीधा। अरे नहीं भाई, अरे काफी डैमेज है बंदा।
मरता क्यों नहीं भाई, एक सेकंड यहाँ पे। अरे नहीं, अरे मेरा स्कोप इन स्कोप आउट, और यहाँ पे पता नहीं किसने मारा, लेकिन यहाँ पर बहुत गलत टाइम पे मारा भाई, मेरा सोनिया बन चुका था। बट यहाँ पर कोई बात नहीं, अच्छा कवर दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पर मैंने हील कर लिया सबसे पहले। तो हमारे सामने भी कुछ बंदे हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा क्या मेरे पास पॉकेट मार्केट में कुछ है। गुड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे सामने की साइड ही काफी बंदे हैं, तो यहाँ पर एक बंदा तो घर में ही था। अभी देखते हैं क्या है, मेरा नेट जाएगा यहाँ से। बीस्टन पेट का नेट इतनी दूर तक शायद से ही जाएगा, लेकिन हाँ चला गया था। एंड यहाँ पर कोई बात नहीं, लेकिन पड़ कहाँ से रही है भाई, कहाँ से पड़ रही है मेरे को नहीं पता, लेकिन आगे पीछे हर तरफ बंदे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर दो बंदे तो ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो एक नेट करने का मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मेरे को लगा था कि वहां से पड़ जाएगी, और पड़ गई भाई यहाँ पे, मैं गलत नॉक हो गया यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद रिवाइव भी हो जाता हूँ, एंड यहाँ पर रिवाइव होते मैं नीचे उतरता, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा, और भाई ये भी नॉक और मैं भी नॉक एक बार फिर से, लेकिन इसकी दिमित्री होना तो ये मेरे को रिवाइव होके मार सकता है, और जैसा कि मेरे को लगा था ये रिवाइव होके मेरे को इसने क्लियर कर दिया। क्या गेमर भाई मेरे को यहाँ पर रिवाइव दे पाएंगे, एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है मेरे सामने। मेरे को एक बार फिर से रिवाइव वो मिल गया, और इस बार मतलब बहुत छोटे जोन में, यहाँ पर तुम जोन देख सकते हो, जोन काफी ज्यादा छोटा है। सो यहाँ पर अब देखते हैं क्या होता है, बिकॉज मेरे को काफी कैंपिंग करनी पड़ सकती है यहाँ पे, आगे पीछे हर तरफ बंदे हैं यहाँ पे। पहले तो बंदों को कम होने देते हैं, उसके बाद फाइट लेंगे। सही बात है, कुछ भी हो जाए यहाँ से मैं मर नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे मरा तो अब तो रिवाइव नहीं मिलने वाला, बिकॉज एक लास्ट पिंक स्टोर वो भी जोन में जा चुका है। एंड यहाँ पर गेमर वाइप एक बंदा था, मैंने थोड़ा सा कवर दिया और वो बंदा खत्म हो गया। यहाँ पे अब काफी कम बंदे बचे हुए हैं, शायद से हम यहाँ पर अब बुया कर सकते हैं, मतलब बहुत कम बंदे बचे हुए हैं। एंड यहाँ पर जिसने भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो अगर जिसने अभी तक लाइक नहीं करा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। बाकी यहाँ पर ये गेम भी हमारा खत्म होने वाला है, सो अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अब एक लास्ट बंदा मेरे सामने है, और यहाँ पे काफी डैमेज, और भाई मेरे को किल मिल जाए यार, किल नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं किल नहीं मिलने वाला, मेरे को पता है किल नहीं मिलेगा। ये बंदे ने वॉल पैक कर ली, एंड यहाँ पर मेरे पास ज्यादा एमओ भी नहीं है यूएमपी में, बिकॉज मैं अभी अभी उतरा था। सो यहाँ पर मेरे पास नेट भी नहीं है, और ये देखो भाई गया किल मेरे हाथ से, मतलब सामने मार दे, पता नहीं किसने मारा लेकिन क्लियर कर दिया। अब एक लास्ट बंदा बचा हुआ है, शायद से ये वाला किल मेरे को मिलेगा, लेकिन मेरे टीममेट इसको खत्म कर देते हैं, और इसी के साथ ये गेम भी हम बुरा करते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नए वीडियो में।